मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस न्यूज लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। चलिए आज की टॉपिक, आज का उनवान है बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत किस करवट बदलेगी, आज उसके बारे में बात करते हैं। मगर उससे पहले जब बिहार की बात आई है, बिहार, बिहारी, बिहार की राजनीति, बिहार की जनता, बिहार के अवाम, बिहार के वोटर्स के बारे में बता दूं, बिहार की राजनीति मुख्तलिफ रियासतों से थोड़ा अलग है। वो ज़रूर आप जानते हैं कि वो अलग क्यों है। जब गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सत्याग्रह कंपेन की शुरुआत जो की थी, वो सरजमीन चंपारण बिहार की सरजमीन थी, जो बिहार के लोगों ने, बिहार के बासिंदों ने गांधी जी का भरपूर साथ दिया और वेलकम किया। इस तरीका से कार्रवाई बिहार हमेशा फ्रंट लाइन में रह करके काम किया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जब जेपी आंदोलन की शुरुआत होती है, जेपी जयप्रकाश नारायण जी जब आंदोलन करते हैं तो उसकी भी शुरुआत बिहार पटना से होती है, वो आप जरूर जानते हैं। जब जब इस देश में अकाल पड़ता है या किसी किस्म की मजबूरियां आती है, सियासी उलट पलट होता है, तो बिहार हमेशा से फ्रंट लाइन में आकर के खड़ा होता है। इसलिए कि बिहार के व्यक्ति के बारे में, बिहार की जनता अवाम के बारे में एक चीज़ मैं बताते चलूं कि बिहार के जनता के दरमियान सियासी सूझबूझ, राजनीति के उसूल, राजनीति को समझने की सलाहियत अदर स्टेट से कहीं ज़्यादा है। इसलिए कि बिहार में जो लोग चाय खाने पर बैठते हैं और वहाँ पर जो बातें होती है, या घर से निकलकर और कहीं बैठ कर के जो चौपाल में बातें होती है, या और भी कहीं बातें होती है, भले उनके पास तालीम की डिग्री हो चाहे न हो, सियासत की डिग्री हो चाहे न हो, मगर ऐसी सियासत की बात करेंगे आपको लगेगा कोई राजनेता बात कर रहा है, कोई सियासी पंडित बात कर रहा है, कोई सियासी गुरु बात कर रहा है। ये वही सरजमीन है। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसको अब आगे मैं साबित भी करूँगा। जब 2014 में मोदी जी का लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई और लगा कि अब उसके बाद कोई भी स्टेट बचेगा नहीं मोदी जी के हाथ से, सबका साथ सबका विकास, दिल को बहलाने वाला नारा के साथ मोदी जी जब बिहार में एंट्री करते 2014 में जीतते हैं, 2015 में बिहार का इलेक्शन होने वाला सबसे पहला इलेक्शन होता है, तो आपको पता है मोदी जी के रथ को अगर किसी ने रोका था तो सबसे पहले ये बिहार की सरजमीन थी। पता है नदी के दो किनारे थे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, अपनी जमीन बिहार की जनता को बचाने के लिए दोनों एक साथ आ गए थे। वहीं से महागठबंधन का शुरुआत होती है, कांग्रेस भी साथ में रहता है और लास्टली फाइनली मोदी जी का रथ को रोक दिया जाता है और बड़ी कामयाबी महागठबंधन को मिलती है। 100 सीट 70-75 सीट के अंदर में ही एनडीए सिमट जाती है। मगर होना क्या था, कुछ लोग को राजनीति में इधर उधर जाने की आदत होती है, वो फिर नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ शामिल हो गए, गठबंधन से नाता तोड़ लिया और एनडीए के साथ मिलकर के सरकारें चलाई। फिर 2020 का इलेक्शन आता है। 2020 के इलेक्शन में जो है महागठबंधन एक तरफ, दूसरी तरफ एनडीए, मगर होना क्या था, जो नीतीश कुमार एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी थी, वो एनडीए में आने के बाद सेकंड पार्टी बन जाती है और बहुत कम 50 भी फिगर पार नहीं कर पाती है, नीचे में सिमट जाती है। तो समझिए नीतीश कुमार को भी, सीएम तो रह गए मगर पार्टी का वकार नहीं बचा पाए, एमएलए नहीं बचा पाए, बहुत भारी नुकसान हुआ। मगर आज बिहार की राजनीति पर बोलने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ मतलब है, कुछ मकसद है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आपको पता है बिहार की राजनीति कभी भी किसी वक्त भी करवट बदल सकती है। क्यों, आप जानते हैं, लालू प्रसाद के बड़े साहबजादे तेज प्रताप यादव की मुलाकात जीतनराम मांझी जी से हो चुकी है। मुलाकात होने के बाद उन्हें महागठबंधन में आने की दावत भी देती है। ये वही महागठबंधन है जो उनका पुराना घर है। महागठबंधन में भी जीतनराम मांझी थे, पुराना घर के बारे में क्या कहना, वो कभी भी कोई भी वापस आ सकता है। ऐसे भी सियासत में कोई किसी का परमानेंट न दोस्त है न दुश्मन है, सब अपने मकसद के लिए मिलते हैं और अलग होते हैं। इसी सूरत को मद्देनजर रखते हुए फिर दोबारा
लालू प्रसाद के बड़े साहबजादे तेज प्रताप यादव माझी जी के घर पहुंचते हैं 11 जून को। क्यों पहुंचते हैं, क्या संदेशा लेके पहुंचते हैं? इस बार जो संदेशा था, बिहार के पुत्र लालू प्रसाद यादव जी का मैसेज लेके गए थे, पैगाम लेकर के गए थे। और बात होते होते लालू प्रसाद जी से फोन के जरिए तेज प्रताप यादव बात करवाते हैं, गुफ्तगू करवाते हैं। जीतनराम मांझी से जो गुफ्तगू होती है, समझिए कितने मिनट की गुफ्तगू होती है, 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 3 मिनट नहीं, टोटल 12 मिनट की गुफ्तगू होती है। और उसे बहुत सारी सियासत पर जो है बातचीत होती है। और लालू प्रसाद पूछते हैं, आप नाराज क्यों चल रहे हैं NDA से, नीतीश कुमार से, क्या हो गया है? बोलते सब चीज ठीक नहीं चल रहा है, बाद में बताएंगे कि कैसे क्या, बहुत सारे मामले पे बातचीत होती है। और ऐसे भी लालू प्रसाद के पैदाइश का मौका था, तो पैदाइश की तो मुबारकबाद दिए हैं, मगर कोई पैदाइश का सिर्फ मुबारकबाद जो है 12 मिनट तक नहीं होगी, उसे पूरी बिहार की राजनीति का समीकरण चेंज करने की बातें हो रही थी और बताया जा रहा था। और एक चीज मैं बताते चलूं, इस मुलाकात लालू प्रसाद के टेलीफोनिक गुफ्तगू से पहले खुफिया तौर पर जीतनराम मांझी मुकेश सहनी की मुलाकात हो चुकी है और दोनों NDA से नाराज चल रहे हैं और कंटिन्यू NDA के ऊपर, BJP के ऊपर हमला कर रहे हैं। जब मोदी जी के वैक्सीन सर्टिफिकेट में फोटो की बात आती है, तो यही जीतनराम मांझी जी बोलते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट में भी मोदी जी की तस्वीर होनी चाहिए, ट्वीट करके। फिर आगे चलिए, जब बात जो है पूर्णिया और बाकी का आता है, तो बोलते हैं दलितों को नक्सलवाद करार दे देते हैं बगैर सोचे समझे हुए, मुसलमान है तो दहशतगर्द बोल देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उधर मुकेश सहनी भी जी बोल रहे हैं कि भाई ये सब बातें छोड़िए, पूर्णिया बाका का तफ्तीश होना बाकी है, रिपोर्ट आनी बाकी है, मगर आप कौन होते हैं बगैर सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल दे? उससे पहले जरूरी है कि BJP के जो कायदीन है, जो लीडरान है, आपने जो वादा किया था मैनिफेस्टो में, इलेक्शन में जो वादा किया था 19 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, वो रोजगार कब देंगे? सवाल उठा रहे हैं, कौन उठा रहे हैं? बिहार के मंत्री उठा रहे हैं, और उठाने वाले कौन है? मुकेश सहनी जी है, जिनके पव्वे पर दो पव्वा है, दो पिलर है, दो सतून है, एक तरफ जीतनराम मांझी है, दूसरी तरफ जो है मुकेश सहनी जी है। इनके पास चार MLA है। इन्हीं सतून के ऊपर NDA की सरकार, नीतीश की सरकार टिकी हुई है। अगर ये सतून थोड़ा भी खींच लिया जाता है, पव्वा जिसको बिहार के जमाने बोलते हैं, पिलर खींच लिया जाता है, तो NDA की सरकार गिर जाएगी। और यही जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव जी ने जीतनराम मांझी को दिया है, आप इस सरकार की नेतृत्व करेंगे और बहुत सारी चीजें मैं दूंगा। और जो 12 MLC का इलेक्शन होने वाला है, आप दोनों को अच्छी खासे सीटें भी दूंगा, मगर आपकी जिम्मेदारी है मुकेश सहनी जी को मना के लेके आना है, ताकि फिर से महागठबंधन की सरकार बन सके। मगर ये देखना है कि आगे आगे क्या होता है। लालू प्रसाद ये वही लालू प्रसाद है 2015 में मोदी जी को, अमित शाह जी को पानी पिला दिया था और ऐसा घेरे कि बिहार में 2015 में जो है ये निकल ही नहीं पाए, इतना घेरा दलित की इशू पर, इसकी इशू पर तमाम को घेरे। मगर होना क्या था, 2020 में लालू प्रसाद अंदर में थे, अगर बाहर होते तो समीकरण कुछ और होता। लोग उनसे प्यार करते हैं, लोग उनको मानते हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं, हीरो मानते हैं दलित समाज के लोग, यादव समाज के लोग अपना लीडर मानते हैं, मुसलमान उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। ये वही लालू प्रसाद है जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर में नकेल डाला था, उनको रथ को रोका था। उन समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को रथ को रोका, 2015 में मोदी अमित शाह के रथ को, कामयाबी के रथ को रोका, ये वही लालू प्रसाद है। और लालू प्रसाद का इस आयन मौके पर बाहर आ जाना, समझिए कि RJD वालों के लिए, महागठबंधन के लिए और UPA के लिए एक बड़ी कामयाबी की बात है, खुशी की बात है। ये ऐसे राजनेता है जो देश की राजनीति को समझते हैं, लोहिया के शागिर्द है, JP साहब जयप्रकाश नारायण के साथी है, समाजवाद के लीडर है, समाजवाद को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में
मैं एक ही चीज बता देना चाहता हूं, अगर बिहार की सरकार करवट लेती है तो आप आश्चर्य मत होइएगा, ताज्जुब मत कीजिएगा, इसलिए कि कभी भी ले सकती है, कुछ भी हो सकता है, सियासत है, राजनीति है, पॉलिटिक्स है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और नेता इधर से उधर होते हैं, सब चीज होते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमेशा जो है बाखबर रहने के लिए आपने अभी तक सरप्रस्त न्यूज लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यह ऐसा चैनल है जो आपको रखे सबसे ज्यादा आगे और सही खबर का सही मौके पर हम आपके सामने में बताते हैं। और इससे पहले भी 5 और 6 जून को मुकुल राय के बारे में मैं बता चुका था, इनकी घर वापसी होना तय है। 10 जून को हमने बताया था जो अफवाह है, कल की खबर वही बनेगी। और 11 जून को आपने तो देख लिया कि मुकुल राय दीदी के सामने में आकर के टीएमसी ज्वाइन कर लेते और कहते अब बीजेपी में कोई नहीं रहेगा। तो लगता है 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है वो अभी से पेश खेमा है एनडीए के लिए, अच्छा नहीं चल रहा है। उधर से यूपी के एक लीडर बोलते हैं कि बीजेपी तो डूबती हुई नैया है, आप कौन सवार होगा, तो बचाएगा कौन, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, एक अच्छा समीकरण बनने वाला है। इधर से प्रशांत किशोर भी शरद पवार से मिल रहे हैं, मतलब गोटी सेट किया जा रहा है राजनीति का। आप देखते रहिए सरप्रस्त न्यूज लाइव, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी के साथ हम आपके दरमियान आते हैं, आते रहेंगे, आपको बाखबर करते हैं, करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।